सियासी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को पार्टी से अलग करने के बाद अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर चर्चा होगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर आंतरिक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे आज पार्टी नेता लेकर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और इस पर चर्चा होगी। आपको यह भी बता दें कि शहजील इस्लाम ने तो खुले आम क्रॉस वोट किया था, लेकिन तीन और विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्शन की तैयारी है। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश पार्टी में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी दाव पेचों के असर को भी जानने की कोशिश करेंगे। बैठक में मिशन 2024 के लक्ष्य को भी लेकर चर्चा होगी और मिशन 2024 को लक्ष्य मानकर पार्टी को अपने बूते दोबारा मुकाबले के लिए तैयार होने की रणनीति पर विचार विमर्श अखिलेश कर सकते हैं पार्टी के नेताओं से। तो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर आज अखिलेश चर्चा करेंगे। जानकारी इस बात की है कि एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार की गई है और उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी, क्योंकि अखिलेश ने साफ कहा था कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है अब एक्शन की बारी उनकी है, अब उन पर भी एक्शन होगा। राजभर पर, शिवपाल पर एक्शन हो चुका है पार्टी की तरफ से और अब जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है राष्ट्रपति चुनाव में उन पर एक्शन ले सकते हैं अखिलेश यादव। और अनुभव मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव बताइएगा, क्योंकि आज ये बैठक होने जा रही है और बताया तो जा रहा है कि इसमें जिन्होंने क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति चुनाव में की उनके नाम आंतरिक रिपोर्ट में सामने आ चुके हैं, लेकिन आज उस पर चर्चा होगी। तो क्या अब तक आपके पास जानकारी आ पाई है कौन से वो तीन और विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति चुनाव में की? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसमें 5 वोट ज़्यादा मिले द्रौपदी मुर्मू को उत्तर प्रदेश से, यानी एनडीए के घटक दल के जो साथी थे उनको भी जोड़ लें, चाहे उनका राजभर, शिवपाल यादव, बसपा और फिर इसके अलावा राजा भैया को जोड़ें, उसके बावजूद 5 वोट ज़्यादा मिले। अब जाहिर सी बात है, अगर 5 वोट ज़्यादा मिले तो विपक्ष की ही तरफ से मिले होंगे, विपक्ष के विधायकों ने दिए होंगे। इसके बाद जब ये सारा रिजल्ट आ गया उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना एक हम कहें इंटरनल रिपोर्ट तैयार की, उसमें हर एक चीज़ को लिखा, ये भी लिखा कि बीजेपी के कितने विधायक हैं, कितना वोट उनका अपना दल का है, कितना निशान पार्टी का है, सारी चीज़ें जोड़कर वो 282 हो रहा था और 287 वोट मिले। फिर उन्होंने अपने भी वोट काउंट किया और चूंकि जो उनके इलेक्शन एजेंट थे वहाँ उस दिन अतुल प्रधान थे और एक और विधायक थे, दो लोग इलेक्शन एजेंट थे, उन्होंने जो कुछ जानकारी दी होगी उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। उसमें ये पता चला कि 5 वोट पाँचों जो है वो समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, एक उसमें दूसरे दल के हैं और उस विधायक ने भी कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इतना उनको जानकारी मिली। और उसमें शहजील इस्लाम तो सबको पता है वो किस तरीके से शिवपाल यादव के साथ गया, उन्होंने तो खुले तौर पर क्रॉस वोटिंग की। अब जब समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी की थी उसके बावजूद अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो पहले ही कहा था कि होगी। शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर दोनों को चिट्ठी जारी करके कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं। आज जो बैठक होगी उसमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों को ही बुलाया गया है और इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होगी, कौन लोग हैं, क्या वजह रही, क्या कुछ कार्रवाई की जाए, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। पहले ये 26 तारीख को यानी कल, बीते कल ये होनी थी, लेकिन अखिलेश यादव 2 दिन कन्नौज में रहा और कल शाम को तकरीबन 4:30 बजे के आसपास वो वापस लौटे, इसलिए ये कहा गया कि देखिए बहुत बड़ी कोई बैठक नहीं है कि सबको बुला लिया है, सारे विधायकों को बुला लिया, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं यानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ और पदाधिकारी हैं, उन लोगों को बुलाया गया है और जिन लोगों ने रिपोर्ट तैयार की या हम कहें जिन लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन लोगों को बुलाया गया है, वो लोग जाएंगे, जो अपनी रिपोर्ट है उस पर वो सौंपेंगे अखिलेश यादव को, बात करेंगे और उसके बाद क्या निर्णय होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अखिलेश यादव किसी को भी अब इस तरीके से जिसने भी हम कहें कि क्रॉस वोटिंग की, किसी को भी ये नहीं है कि छोड़ा जाएगा, यानी सबके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। हो सकता है कि चेतावनी दी जाए या फिर कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जो दूसरों के लिए भी अगर हम कहें तो एक मैसेज हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुभव आपका, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।